हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। यदि आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स का आखिर सिलेबस क्या है, फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे तैयारी करें जिससे कि आपको डी फार्मा का एक गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पक्का हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, चैप्टर वाइज हम लोग बताने वाले हैं आपको। मैं बताऊंगा कि आपका सिलेबस है क्या क्या। ठीक है, तो आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम चाहे देखिए, यूपी पॉलिटेक्निक में दो ग्रुप होता है, ई1 होता है, एक होता है ग्रुप ई2। यदि आप ई1 ग्रुप से हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और यदि ई2 ग्रुप से हैं तो आपका कितना सब्जेक्ट होगा, 3, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ई1 ग्रुप वाले को फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन, और E2 ग्रुप वाले को फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन। इस तरीके से आपका टोटल 100 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400 मार्क्स टोटल मार्क्स होता है। और यदि आप 250 प्लस स्कोर करते हैं तो कंफर्म है कि आप टॉप 100 के अंदर रैंक लाएंगे, एक गवर्नमेंट कॉलेज सीट पक्का है। तो इसमें से करना है। ठीक है, तो फिजिक्स को बड़ा स्मार्ट वे में आप पढ़िए, सारे चैप्टर्स भी मत पढ़िए, जो चैप्टर्स आपको इजी लगता है उतना पढ़िए। लेकिन हाँ, यदि आपका मेन सब्जेक्ट मैथ या बायोलॉजी है तो उसमें फुल ऑफ फुल स्कोर करने का क्षमता रखिए। ठीक है, चलिए मैं लास्ट में कंप्लीट बता दूंगा कैसे आप तैयारी करेंगे, इससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो हमारा पहला चैप्टर आता है मापन चैप्टर, जिसको हम लोग मेंसुरेशन मेजरमेंट चैप्टर कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा सदिश विश्लेषण, जिसको हम लोग वेक्टर एनालिसिस कहेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा गति मोशन, ठीक है, गति चैप्टर है। फिर यांत्रिकी है, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। द्रव्य के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप पढ़ सकते हैं। हीट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो हीट का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन वेटेज रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर साल लगभग आपको ध्यान देना चाहिए। तरंग गति, वेव ऑप्टिक्स, वेव स्पीड, वेव ऑप्टिक्स इसी में आ जाएगा। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। प्रकाश, प्रकाशमिति एवं प्रकाश की प्रकृति, जिसको फोटोमेट्री एंड नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इससे कंफर्म मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपका बनेगा तो बनेगा। आपको सर्किट वगैरह जो भी होता है वो सॉल्व करने आना चाहिए, कि समांतर श्रेणी, श्रेणी क्रम और फिर ब्रिज, जो भी तरीके का होता है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं गतिमान आवेश व चल कुंडली धारा मापी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मूविंग चार्जेस एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का चुंबकत्व व चुंबकीय पदार्थ, अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। फिर इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप 3 से 4 क्वेश्चन आपका इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, जिसको आधुनिक भौतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट चैप्टर हमारा नाभिकीय भौतिकी, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। तो इतने चैप्टर्स हमारे फिजिक्स के सिलेबस में है जो कि आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि स्मार्ट तरीका क्या है, कि आपका तैयारी बेस्ट होगा कैसे और सिलेक्शन कैसे होगा, मेन बात यहाँ ये है। तो देखिए, फिजिक्स में आपको यदि सिलेक्शन चाहिए, मतलब डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको स्मार्ट वे में चलना होगा। आपको पता है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं लेके चलता हूँ। अगर बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो आपको पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आप जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायोलॉजी में यदि आप प्रॉपर टाइम देते हैं तो ज़्यादा बेटर तैयारी आप कर पाएंगे, और प्लस 50 क्वेश्चन भी है। तो 50 में आप इधर टारगेट रखिए 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का, प्लस फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे, 1-2 चैप्टर, 3-4 चैप्टर इंपॉर्टेंट, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन का टारगेट रख सकते हैं। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन रख लीजिए, तो 8-7-15 क्वेश्चन इधर हो गया सर। ठीक है, अब प्लस 45 इधर हो गया, तो 45-15 कितना होता है देख लीजिए, 5-5-10 के 0 बकिया, 1-4-1-5-1-6, 60 क्वेश्चन,
16 to 4 कितना होता है 240 नंबर, 240 नंबर पे सिलेक्शन कंफर्म है भैया। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्यों इतना टेंशन में है, तुक्का भी मारेंगे ना 25 गो में तो 6-7 गो सही हो जाएगा, ये भी तरीका आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भी अपना एंट्रेंस क्लियर किए हुए हैं, तो स्मार्ट वे में आप तैयारी करना के लिए सोचिए। अब बात आती है कि बायोलॉजी, बायोलॉजी 45 प्लस अगर आपका सही नहीं होता है, 40 प्लस सही नहीं होता तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट कम से कम मेन होना चाहिए तैयारी के साथ। तो वो कैसे तैयारी होगा, उसके लिए आपको मैं बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा, ठीक है। आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने एक बैच लॉन्च करा है, जिसमें कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो मैं बता देता हूं, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, और उस वीडियो लेक्चर में क्या होगा, उस वीडियो लेक्चर में थ्योरेटिकल लेक्चर्स होंगे, फिर एमसीक्यू लेक्चर्स होंगे, फिर जब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसका एक टेस्ट कराया जाएगा, जैसा कि एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम टाइप से टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। ये होगा सिर्फ बायोलॉजी सब्जेक्ट का, पहले मैं बता दूं, ठीक है। और ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको चारों सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि नोट्स से पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री, और आपको बायोलॉजी मेरे वहां पे मैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी दूंगा, पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, मतलब बायोलॉजी का कंप्लीट पैकेज है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी फिलहाल डेमो लेक्चर के तौर पर चल रहा है साइटोलॉजी, पहले हमने साइटोलॉजी लेक्चर से स्टार्ट करे हैं, और साइटोलॉजी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही है वहां पे, तो आप साइटोलॉजी के लेक्चर्स जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे देखेंगे आप, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट ले लेंगे, फिर मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा देंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी बताएंगे किस तरीके से एग्जाम को अटेंड करना है और कैसे कैसे कितने घंटे किस पेपर पे समय देना है, तो आपका एक बेस्ट वे में तैयारी हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं इस फीचर्स के साथ हमारे साथ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना, तो आप क्या क्या करेंगे जैसे कि आप ज्वाइन हो पाएंगे। सबसे पहला स्टेप होगा, आपको प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर पे जाइए और उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से लोगो आएगा, तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल आप कर लेंगे। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। फिर आप स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे, और जब स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, जिसका की प्राइस हम लोगों ने काफी मिनिमम रखा है, 499 रुपीज रखा है। 499 रुपीज में आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक तैयारी कराया जाएगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है हर चीजें आपको 499 रुपीज में मिलने वाली है, ठीक है। यदि आपको कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको मैं एक स्क्रीन पर नंबर दिखा देता हूं, जो कि आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी और आपकी समस्या का समाधान करेगी, ठीक है। चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक मोटिव मिल गया होगा कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।